नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं द खबरदार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में करेंगे 25 फरवरी को चुनाव प्रचार अभियान का आगाज, ऐसा रहेगा शेड्यूल। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीते कुछ माह से सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस चुके हैं। देश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी भी लोकसभा चुनावों में इस बार कुछ खास करने के इरादे से चुनाव मैदान में उतरेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में अभी केवल एक सीट खुजराओं की कांग्रेस के पास है, बाकी 28 सीटों पर भाजपा ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा क्लीन स्वीप करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अपने किला हिंदवाड़ा को बचाने के साथ ही बीजेपी से कुछ और सीटों को हथियाने की ओर आजमाइश करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 की भाजपा ने सभी तैयारियां कर ली हैं और अब स्टार प्रचारकों का आना जाना शुरू हो गया है। बीते सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा था, तो वहीं अब भाजपा के दूसरे नंबर के नेता अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वहीं 25 फरवरी के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। यहां होगा अमित शाह का कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को एमपी में लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। अमित शाह 25 फरवरी को सबसे पहले ग्वालियर आएंगे, जहां ग्वालियर चंबल क्लस्टर यानी चारों लोकसभा क्षेत्र की प्रबंध समितियों की पहले बैठक लेंगे। इस क्लस्टर में ग्वालियर, मुरैना, दतिया और भिंड लोकसभा क्षेत्र शामिल है और क्लस्टर प्रभारी भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है। यहाँ पर सिलेक्टेड भाजपा के 400 कार्यकर्ताओं की गृह मंत्री अमित शाह बैठक लेंगे। इसके बावजूद दोपहर 3 बजे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के लोकसभा क्षेत्र खुजराओ में आम सभा और बूथ स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसमें 2,293 बूथों की 11 सदस्य समितियों के 25,223 कार्यकर्ता शामिल होंगे। देर शाम तक अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे और प्रबुद्ध जनों की बैठक में भाग लेंगे और सरकार की योजनाओं 3 लाभार्थी परिवार में संपर्क भी करेंगे। अमित शाह के आने से पहले तैयारी शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश में दौरा होने से पहले मध्य प्रदेश भाजपा नेतृत्व पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में भाजपा के लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय 22 फरवरी गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित विभिन्न बैठकों में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद उपस्थित रहेंगे। ये प्रमुख पदाधिकारी प्राप्त 11 बजे भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी व संभाग प्रभारियों की बैठक में संबोधित करेंगे। इसके उपरांत मोर्चा प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री एवं प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजकों की बैठक में शामिल होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।